हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं चांदनी आप सब कैसे हैं आई होप आप सब ठीक होंगे तो मैं अगला ब्लॉग जो शेयर करी थी वो अपना हॉल क्लीनिंग का जो हमारा ब्लॉग था जो कि मैं दिवाली के अभी क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं और क्लीनिंग भी सारा है और बाकी बहुत सारे अपडेट हैं जो मैं आप लोग को वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी तो यहाँ पर मैं अपना बेडरूम का क्लिनिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर तो इसमें पता नहीं कहाँ से मतलब विंडो इधर का ना बाहर मतलब हमेशा विंडो यहाँ का खुला रहता है तो इस रूम में तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था पता नहीं क्यों क्योंकि गंदा तो कुछ था नहीं जाला वगैरह तो कुछ भी नहीं थे बट डस्ट इतने थे ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि डस्ट बहुत ज़्यादा क्योंकि इस पर तो थे नहीं वो विंडो वगैरह के जो साइड का रेक वगैरह था उस पर थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा बहुत मतलब जम गए थे तो यहाँ पर मैं उसका क्लिनिंग करने से पहले मैं क्या करके एक बार मैंने देखा क्लीन करके तो फिर मैं देखा इधर कटन के जो ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ है ना उसको लगाने के लिए तो उसको मैं देखी तो बहुत ज़्यादा उसमें से डस्ट आ रहे थे तो फिर मेरे आँख में बहुत ज़्यादा फेस पे ऐसे खुजली होने लगा तो फिर मैं अपने फेस को कवर करी और मैं चश्मा लगाई तब जाके मैं इसको क्लीन करी बाकी चारों तरफ तो कुछ भी नहीं था बट जो रहता है ना इसमें क्योंकि देख नहीं पाता है और ये जब क्लिनिंग करने के बाद ही पता चलता है तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ क्लीन कर दी विंडो का और इधर मैं पूरा चारों तरफ का वॉल कभी क्लीन कर दूँगी और क्लीन करने के बाद में फिर मैं इधर साइड में ज हमारा अलमीरा है बड़ा सा जो मैं कटिन ये कटन लगा कर रखी हूँ तो ये है कपड़ा वगैरह रखने का वॉरूट जैसा है और इसके बाद उसके ऊपर है जो कि बड़ा सा रेख है जिस पे मैंने अभी ये फ्रीज़ का हमारा कवर रखा हुआ है क्योंकि ये जाने के टाइम पे पैकिंग करने का काम आता है ना तो फिर मैं इस पर डाल के रखी हूँ तो इसको इधर साइड करके और फिर मैं इधर साफ़ करके फिर फिर इसको साइड करके उधर साफ़ कर लूँगी और इसके बाद इसको साइड रख के और इधर जो हमारा एक दो जो बिना यूज के चीज़ होते हैं उसको मैं इस पर सेट करके रख देती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर भी मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ तो यहाँ पे इस पर भी मतलब कुछ गंदगी तो थे नहीं बट थोड़ा बहुत डस्ट नहीं होता डस्ट थोड़ा बहुत थे तो चलिए फिर इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन करने के बाद में मैं इस पर सारा सामान वगैरह है जो कि सेट करके रख देती हूँ तो यहाँ पे अभी मैं जितने सारा था सामान उस पर जो बिना यूज़ करता उसको सेट करके रखती हूँ और इधर वाच वगैरह है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ये फ्रेम वगैरह नहीं लगाई हूँ क्योंकि थोड़ा सा केल वगैरह ज़्यादा नहीं लगाते ना फिर इसलिए नहीं तो फिर बाकी हम लोग क्वार्टर में रहते हैं सरकारी क्वार्टर तो उसमें तो अपना जितना मर्जी जैसे डेकोअर करो तो फिर इसमें तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं करी हूँ फिर भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ और बाकी सब ऐसे ही जितना सारा सामान थे बेडरूम का वो सारा मतलब डेकोअर वाला जो था उसको मैं ऐसे ही पैक करके रखती हूँ ताकि कहीं नेक्स्ट वगैरह पोस्टिंग आएगी तो फिर वहाँ पर जाने के बाद में हम लोग अच्छे से डिकोर करेंगे तो चलिए फिर इसमें थो, थोड़ा सा दो तीन जो भी सामान वगैरह थे जो यहाँ पे मैं फोटो फ्रेम वगैरह था जो कि इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ कॉलिन से ताकि साफ़ हो रहे हैं साफ़ हो जाए और इसके बाद मैं इसको लगा दूँगी तो चलिए फिर यहाँ पे और साथ में हमारे बच्चे थे जो कि आज इन लोग की छुट्टी थी तो फिर ये लोग हमारे साथ में हेल्प कर रहे थे और तो ये सारे साफ़ करने के बाद में फिर हमने चारों तरफ मतलब जितना सारा फोटो फ्रेम और वॉच वग़ैरह था उसको हमने सेट करके दीवार में लगा दिया और लगाने के बाद में फिर मैं पूरा क्लीन करी पेट वगैरह सब कुछ और नीचे का तो ज़्यादा कुछ मैं सूट नहीं करी और ये सारे लगाने के बाद में फिर मैंने फ़ैन क्लीन करी थी ताकि फ़ैन क्लीन मैं सोची कि फिर फैन क्लीन कर लेती हूँ ताकि तब इसके बाद बेडशीट वगैरह सब बेड वगैरह चेंज करूँगी तो यहाँ पे अभी मैं इसमें ज़्यादा नहीं गंदा था फ़ैन तो फिर मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा झाड़ू से साफ करने के बाद में फिर इसको कॉलिन से और कपड़ा से फिर मैं साफ़ कर दी थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं साफ़ कर देती हूँ और आप लोग मतलब फैन क्लीनिंग का मतलब वीडियो बनाने के लिए बोल रहे उसमें मतलब क्या मतलब दस मिनट पाँच मिनट के लिए ओनली फॉर फैन क्लीनिंग का वीडियो नहीं हो सकता है ना ये फिर मतलब उसमें क्या मतलब दो मिनट का है ये काम दो मिनट ऑलमोस्ट दो मिनट इस वीडियो में बहुत सारे लोग बोले थे तो फिर मैं इसमें ऐड कर दी हूँ और तो यहाँ पे मैं यहाँ पे झाड़ू से क्लीन करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे कॉलिन मारा और इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी और बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया मतलब मैंने एक पे एक इसको अगले वीडियो में भी मैं बताई थी मतलब मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे क्लीन करूँगी क्योंकि ये होता है कि नहीं तो फिर बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था मतलब आज तक मैंने फर्स्ट टाइम पे ट्राई फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी बट मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा देखा क्योंकि मैं फोटो फ्रेम सब कुछ क्लीन करती थी बट मैंने फ़ैन कभी नहीं क्लीन करी थी फर्स्ट टाइम ही क्लीन करी थी बहुत बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी ट्राई करिएगा आकर एक बार करके अगर अच्छा लगता है तो नहीं तो फिर बाकी अपने कपड़े से साफ़ कर सकते हैं इसीलिए तो यहाँ पे अभी मेरा फ़ैन वगैरह क्लीन कर फैन वगैरह क्लीन हो गया है और और ज़्यादा मतलब इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा देर तक इसमें ऐड कर दी क्योंकि मैं फ़ैन क्लीनिंग का अलग वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि फ़ैन क्लीनिंग का दो दो सेकेंड का वीडियो क्या बनाना है अलग वीडियो तो इस वजह से और यहाँ पे मैं एक साड़ी ऑर्डर करी थी तो वो अभी डिलीवरी हुआ था तो फिर साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर दी आप लोगों के साथ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिंक कलर की साड़ी है और ओपन करके देखते हैं कैसा है तो फिर ओपन करके आप लोगों को भी दिखाती हूँ और कैसा है कैसा नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ये क्या पता मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो चलिए फिर इसको ओपन करते हैं और इसके बाद देखते हैं तो इसमें क्या था कि पर्पल कलर का है जो कि पर्पल कलर नहीं था हल्का सा मतलब बैगनी कलर में भी मतलब डार्क था ये और इसका ब्लाउज और पिंक कलर का था ये इसका साड़ी तो साड़ी का जो मतलब ब्लाउज तो एकदम बिल्कुल साइज़ वगैरह सब कुछ मतलब स्टिच कराने के लिए सही था थोड़ा सा साड़ी में मतलब इशू आ रहे थे तो साड़ी में क्या था ना कि थोड़ा सा मतलब म, एक साइड में ना इस वर्क की वजह से मतलब छोटा था एक साइड में और बड़ा था ऐसे कुछ था इसको मैं ओपन करके देखी थी तू तो, फिर इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि मैं वो ऐसे कर रही हूँ बाद में तो चलिए फिर आप लोग को भी मैं दिखा देती हूँ पूरी साड़ी तो साड़ी अच्छी थी ठीक थी और इसके बाद मतलब अच्छा लगा कलर वगैरह मेरे को अच्छा लगा था इसलिए मैं ऑर्डर कर रही थी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में अभी शाम को बहुत सारा काम करने के बाद में क्योंकि सारा क्लीनिंग का करी थी फिर इसके बाद मैंने शाम को नहाया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मैं आपको मतलब पहले बताई थी क्योंकि डस्ट वगैरह होता है तो पूरे मतलब बॉडी में ऐसे खुजली टाइप में होती है तो फिर इसलिए मैंने शाम को फिर नहाई और इसके बाद मैंने बनाई यहाँ पर चाय पार्सल ओपन करने के बाद में यहाँ पर बनाई मैं चाय और चाय वगैरह बनाने के बाद में यहाँ पर दूध गर्म करूँ ताकि बच्चों को दूंगी और यहाँ पे थोड़ा सा चाय और टोस्ट हम लोग खाएंगे और खाने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े फ़ोल्ड करी दिया वगैरह जलाई सब कुछ तो सारा चीज़ मैं नहीं इसमें ऐड करी थी क्योंकि जल्दी जल्दी मैं करी और सारे मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके और अभी मैं जाऊँगी डिनर बनाऊँगी और बच्चों को होमवर्क वगैरह देखूँगी और फिर इसके बाद और ये साड़ियाँ वगैरह थी जो कि मैं पहले यूज़ करी थी तो धीरे धीरे मैंने सारी साड़ियाँ क्योंकि फेस्टिवल में अभी मतलब यूज़ किया हुआ फिर वो यूज़ नहीं कर सकते तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत साड़ियाँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ उसको बीच बीच में धुल देती हूँ तो ये सारी साड़ियाँ ड्रेसेस जितने सारे थे उसको मैंने फोल्ड की और ये बच्चों को थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म थे और छुट्टी थी इसलिए मैंने वॉश कर दी थी तो ये वीडियो मैं यहीं पेंट कर दूंगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक Thank यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में